हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पंचरत्न मेथी दाल, या फिर आप इसको पंचमेल दाल भी बोल सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बनाया है और साथ ही साथ सुपर हेल्दी भी है और सुपर टेस्टी भी है। आप इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत बहुत ही डिलीशियस बनेंगी। तो चलो फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुकर ले लिया है और उसके अंदर हम दालें ऐड करेंगे, जो कि मैंने ये मसूर दाल और मूंग दाल ली, जो भिगने में काफ़ी टाइम कम लेती है, इसलिए मैंने जस्ट 5 मिनट ही उसको भिगोया है। तो कि बस वही पानी के अंदर हमें उसको बॉईल करना है, तो वो पानी फेंकना नहीं है आपको, बस ले लेना है। और यहाँ पर एक उड़द दाल, चना दाल और अरहर की दाल, उसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसको तो 1 घंटे के लिए मैंने भिगो लिया था, तो इसको ऐड कर लेंगे। तो ये जो 3 दालें हैं ना, वो भिगने में ज़्यादा टाइम लेती है, तो मैंने उसको 1 घंटे पहले भिगोया था। और मूंग दाल और मसूर की दाल को बस 5-10 मिनट ही भिगोना है, ज़्यादा नहीं भिगोना है आपको। तो बस उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और बस उसको गैस पर चढ़ा लेंगे। और हमें 3 सीटी तक उसको मतलब पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है आपको, एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, मोटाई रखना है ताकि हर एक दाल का हर एक सेपरेट टू फ्लेवर आ सके। तो बस वही तक ही कुक करना है। तो वो जब कुक हो रही है तब हम यहाँ पर मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑयल ले लेती हूँ। या इसके अंदर सरसों जाएगा, तो जैसे वो फूट जाएंगे सरसों, तो इसके अंदर मैं जीरा ऐड कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है गार्लिक और जिंजर को ओखली के अंदर कूट के लिया है, चॉप नहीं किया है, कूट के लिया है। तो उसके साथ मैं यहाँ पर हींग थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ जो यहाँ पर है हरा लहसुन, साथ में है ये हरी प्याज और थोड़ी सी ग्रीन मतलब हरी मिर्च। तो ये जो स्प्रिंग ऑनियंस और ये जो हरी प्याज और जो गार्लिक है ना, वो सीजनल होते हैं, तो अगर आपके पास है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखो वो मसाला रेडी हो रहा, तब तक मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मेरी 3 सीटी हो चुकी है। उसका प्रेशर रिलीज़ करके देखो एकदम अच्छे से कुक हो चुकी है, जैसे हमें कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल वैसी पकी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल कि वो कैसे कुक हुई है। देखो हर एक का दाना दिख रहा है, एकदम मेल्ट नहीं हुई है। तो मैं इसको क्लोज भी थोड़ा आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। बस इतना ही पकाना है हमें, आपको ज़्यादा बिल्कुल कुक नहीं करना है। उसमें थोड़ी पानी ऐड कर लेंगे मैं यहाँ से और थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। तो यह इस तरफ हमारा जो मसाला है उसके अंदर हम जो मेथी या ऐड करने वाली हूँ, तो भी विंटर का सीज़न है तो अवेलेबल होती है मार्केट में। अगर नहीं है जो इसमें सारी चीज़ें, तो आप उसको स्किप करके भी बनाओगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर मेथी की जो क्वांटिटी है ना, आपको थोड़ी कम रखनी है, अदरवाइज ज़्यादा क्वांटिटी करोगे तो मेथी थोड़ी कड़वी होती है तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटो ले लिया है, तो वो उसके अंदर ऐड करेंगे और सब फिर उसको पकाएंगे। तो सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको मीडियम टू हाई गैस पर पकानी है, ऐसा वो मतलब जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि जो हमारे टमाटो है वो जल्दी पक जाए। तो यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से उसको चलाते हैं और देखो इसे छोड़ दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से कवर करके छोड़ेंगे ना तो वो अच्छे से मतलब पर जो आपके जो टमाटर है वो कुक हो जाएंगे। तो देखिए एकदम मतलब वो गल चुके हैं। तो बस यहाँ पर हम सूखे मसाले हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर लेती हूँ हल्दी। तो सारी चीज़ें हैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, मैंने कितना कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, कितना कप, कितनी क्वांटिटी, कितना टीस्पून, सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख लेना। तो सारे मसाले ऐड चुके हो चुके हैं। तो अब हम उसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं और हमें मसालों को 1 से 2 मिनट तक ऐसे भुनना है ताकि जो मसालों का कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए और अच्छे से स्मेल करे। तो यहाँ पर देखो मैंने भून लिया है। तो अब यहाँ पर जो हमारी दाल थी उसको मैं पानी ऐड के कंसिस्टेंसी सेट कर ली है कि हाँ बस हमें ऐसी चाहिए। तो इस हिसाब से इस ये दाल की जो खासियत ये होती है ना, बहुत ही पतली नहीं होती है, थोड़ी मतलब उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक होती है। तो अभी मैं उसको ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया है, बस मुझे इतनी चाहिए और आप भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ बनाइएगा
तो ये काफ़ी टेस्टी लगेगी। और बस हमें उसको कवर करना है और बस थोड़ा सा उसमें बॉयल आ जाएंगे ना एक, तो बस हमें गैस की फ्लेम है वो ऑफ़ कर देनी है। देखिए मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर ली है और देखते हैं। देखो तो बिल्कुल अच्छे से मेरी दाल जो है एकदम पक के रेडी हो चुकी है और ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो इस दाल को मैं अलग से एक बॉल में निकाल लूँगी, जो हमारा जो सर्विंग बॉल है इसके अंदर मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी हरी प्याज है वो मैं ऐड कर रही हूँ और अच्छे से उसके साथ मिक्स करके हम दाल को साइड में कर लेते हैं और तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तड़के के लिए आप मेरे सबसे पहले एक ही बात बोलूँगी कि आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, उससे काफ़ी फ्लेवर अच्छा आता है। और यहाँ पर जो रेड चिली मैंने इस्तेमाल की सूखी, आप चाहे तो थोड़ा रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ताकि कलर अच्छा आए। तो इस तरह से देखो मैंने अच्छे से तड़का रेडी हो चुका है। मैं गैस बस तुरंत ही बंद कर देना है, घी को जला नहीं देना है। तो ये तड़का है गर्मा गर्म, हम दाल पे छिड़क लेंगे। आप चाहे तो उसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारी दाल बनके तैयार है। यहाँ पर थोड़ी गार्निशिंग कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर थोड़ी हरी प्याज और थोड़ा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लिया है। तो हमारी रेसिपी बनके तैयार है। तो अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।